अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। स्लग कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उड़ी लोकतंत्र की धज्जियां। एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के चुनावी चर्चा संबंधी कार्यक्रम में भिड़े सफाई और भाजपाइयों ने किया तांडव, महिलाओं से की अश्लील हरकत। संवाददाता डॉ जर्रार खान, लखीमपुर खीरी। एंकर लोकसभा चुनाव न्यूज चैनल के द्वारा एक डिबेट बुलाई गई थी यहीं पर हमारे और जिसमें सभी दलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, हमारे समाजवादी पार्टी के भी लोग वहाँ पर मौजूद थे और हम लोग इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में गए थे कि क्योंकि कल भी इस तरीके की घटना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी हमारी पार्टी के लोगों के साथ है पार्टी की स्थिति कल भी पैदा करी थी उन्होंने। लेकिन आज जब स्थितियाँ हम लोग इसीलिए हंसते माहौल में सबसे मिलते होते गए कि कोई इस तरीके की घटना ना हो पाए। लेकिन उसके बाद जब शुरुआत होती है और बीजेपी के प्रतिनिधि अपनी बात को कहते हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, उस बात पर हमारे समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई भी आवाज़ नहीं की कि वो अपनी बात को कह लें। लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि क्रांति कुमार सिंह जब अपनी बात कहने के लिए उठते हैं तो उसके बाद इनके लोग बहुत तेज से चिल्लाने लग जा रहे हैं, पीछे से गाली गलौज कर रहे हैं, वो गालियाँ जो हम आपको बता भी नहीं सकते। इस तरीके की गाली गलौज करने के बाद जब हमारे जगीराज भाई हैं, एडवोकेट भी हैं, जब ये उसका विरोध करते हैं कि इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए तो उनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ही कहेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने उनकी गुंडाई देखी है। उन गुंडों ने इनकी इनके ऊपर प्रेशर बनाया, इनको मारने की कोशिश करी, मारपीट करने की कोशिश करी। तो हम लोग सब लोग परमोदा जी हैं, अंजलि सिंह हैं, हम लोग इनको बहुत जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जब हम लोग इनको बचाने के लिए दौड़े तो हमारी जिला कार्यकारिणी की मेम्बर है ये अंजलि सिंह जी, इनकी सदरी फाड़ दी, इनका दुपट्टा गायब है। बहुत ही ज़्यादा अब बहुत सारी चीज़ें बताना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा बदतमीजी की गई है वहाँ हमारी महिलाओं के साथ में जो बहुत निंदनीय है। उसके बाद हम लोग मैंने खुद कप्तान के नंबर पर फ़ोन किया है कि इस तरीके की घटना है, आप पुलिस को भेजिए। तो इंस्पेक्टर कोतवाली वहाँ से निकल रहे होंगे, तो वो जब आए तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, वहाँ अफरा तफरी का माहौल था बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम लोग अपने आप को बचा के वहाँ से भागे। फिर हम लोग कप्तान के पास गए, हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि कार्यवाही करेंगी और हमने स्पेशली इस बात को कहा है कि जिस तरीके का गुंडा एलिमेंट अगर बदतमीजी कर रहा है और महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हो रही है, हम लोग महिलाओं का नेतृत्व करते हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, अगर हमारे साथ इस तरीके की घटना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो आम महिलाओं का क्या होगा, ये बहुत सोचनीय प्रश्न है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस बात के लिए हम लोगों का साथ दें, हमारे साथ खड़े हों, जिससे कि जितने भी लोग इन्होंने बदतमीजी की है हम लोग इनके ऊपर मुकदमा दर्ज जरूर होना चाहिए। हम डिमांड रही है आगे से इस तरीके की घटनाएं ना। आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या उद्देश्य था? आज लखीमपुर में टीवी चैनल की डिबेट थी और उस डिबेट में आज लखीमपुर खीरी में जो भी 5 साल में सरकार के द्वारा विकास कार्य कराए गए उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी बात रखनी थी कंपनी वाले। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे अपनी बात को, जब प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही भाजपा के जो गलत तत्व वहाँ पे मौजूद थे, गुंडा एलिमेंट वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया।